स्प्रिंग। अच्छा ये सब बातें बता दी थी मैंने, चलो ओके। आओ भाई एक और स्प्रिंग पढ़ते हैं। उस सन की तरफ देखें, क्वेश्चन देखें बेटा, सब लोग सुनिए। एम और टू एम के दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, बीच में क्या लगी है, बीच में क्या लगी है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है बेटा, के। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, हमें बोला गया लिखिए, एन एक्सटर्नल किक An external kick gives the 2m mass a velocity v naught towards right, ठीक है, full stop। Find the maximum extension Find the maximum extension in the spring। Spring में maximum extension आप लोगों को निकालना है। Given quantities आप लोगों को पता है। Basically हमने 2m वाला जो block है उसको थोड़ा सा लात मारा है। क्या किया बेटा? लात मारा। तो जैसे ही हमने 2m वाले block को क्या मारा? लात मारा, तो उसको वेलोसिटी क्या मिल गई? v नॉट। उस समय इसकी वेलोसिटी जीरो थी, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो, ठीक है। पर इसको जब हमने लात मारी तो इसकी क्या हो गई? v नॉट। अब बोल स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, हाँ या ना? आपको एक्स मैक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? एक्स मैक्स की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो बता जब भी मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होंगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम या अलग? सेम या अलग? वैसे तो सेम होगी, पर देखो इस वाले क्वेश्चन को करने का एक नया तरीका सीखते हैं। असलियत में दिस इज योर फॉर्मेट टू, वो पहला फॉर्मेट था, ये कौन सा फॉर्मेट है? सेकंड फॉर्मेट है। इस पे ध्यान देना कैसे करने वाला हूं मैं, सुनो। जब भी इस तरह से कोई चीज मूविंग दिखे ना किसी वेलोसिटी वी नॉट से, तो आप लोग क्या करना है, एक नया फ्रेम बनाना और उस वाले फ्रेम को नाम देना बेटा सी फ्रेम। क्या नाम देना? सी फ्रेम का मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। इस फ्रेम का क्या नाम है? सी फ्रेम, मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और इसकी वेलोसिटी निकाल लेना। क्या निकालना है इसकी? जल्दी बताओ VCM की वैल्यू क्या होती है? m1v1 plus upon m1 plus m2। तो बता कितना आ गया है? m1v1 क्या है इसकी? जीरो। इसकी कितनी? v नॉट। तो क्या आ गया? 2m v नॉट upon क्या बेटा? 3m। m से m कटा तो कितना आ गया? 2v0/3। बोलो आया कि नहीं? तो जो सेंटर ऑफ मास का फ्रेम है, क्या वो आगे की तरफ जा रहा है 2v0/3 से? ये बात अपने को पता लगी। VCM की वैल्यू क्या आ गई? 2v0/3। और अब मैं अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया तो क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया? सेंटर ऑफ मास किस पे आ गया? और इसीलिए सी फ्रेम कितने से ट्रेवल करने लगा? 2v0/3 से, ठीक है। अब इस सी फ्रेम से देखने पर इस एम की वेलोसिटी क्या होगी? क्या उसके लिए मेरे को वी एम विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना पड़ेगा? yes, sir। वो क्या होगी बेटा? वी एम माइनस वी सी। बोलो सही है? yes, sir। बोलो क्या आ जाएगी? वी एम कितना है बेटा? जीरो। माइनस वी सी मतलब 2v0/3। कितना आ गया? माइनस 2v0/3। मतलब इसके देखने पे एम कहाँ जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। कितने से? 2v0/3 से। अब थोड़ी माइनस लगाऊंगा, पीछे की तरफ दे दिया ना। इसको यार ब्लू से लिखता हूं, 2v0/3। ये वो है जो मैंने सॉल्व करके लाया है, ये गिवन है। ये क्या है बेटा? गिवन क्वांटिटी है v0। अब देख ये तो आ गई vmc। अच्छा दूसरा क्या बेटा? vm विद रिस्पेक्ट टू, मतलब v2m विद रिस्पेक्ट टू c भी निकालनी पड़ेगी। जब इस फ्रेम से इसको देख रहा हूं तो इसको भी तो देखना पड़ेगा।
तो इसकी वेलोसिटी v है, आगे कितनी हो गई जो इसने देखी वो, तो उसके हिसाब से कितनी आ जाएगी v 2m माइनस v c। तो v 2m कितनी है v नॉट, और v c कितनी है 2 v नॉट बाय 3, कितना आ गया। तो अगर देखा रहे तो v नॉट आ गया 2 v नॉट बाय 3, कहां मिली इसे पीछे, तो नेट क्या बची v नॉट बाय 3। बोलो बचा के नहीं, ये कौन से फ्रेम वाली है, ये भी कौन से फ्रेम वाली है, बोलो सही है। पर क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, सेंटर ऑफ मास किसमें, स्प्रिंग तो एक्सटेंड होगी। अब जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आई है, क्या चीज है भाई, वेलोसिटी से क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी, और वो सारी काइनेटिक एनर्जी जो है उसका वर्क डन कहां जा रहा है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, बोलो हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहां पर सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, बोल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दूं, बोलो क्या लिखूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर, छोटे एम के लिए बोल क्या होता है, टू वी नॉट बाय थ्री का होल स्क्वायर प्लस हाफ इसका, बोल क्या होता है, टू एम इन टू क्या वी नॉट बाय थ्री का होल स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में, कुछ भी नहीं आ रहा, पूरा ऊपर से गया, एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, एक्स मैक्स मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन, क्या हो गया नहीं आया, लौट गया, तो उससे क्या कान में बतिया रहा है, इन दोनों की एनर्जी कहां पर स्टोर हो गई, स्प्रिंग को एक्सटेंड करने में, क्या करने में, एक्सटेंड करने में, और इसीलिए आगे। तो बोलो क्या यहां से एक्स मैक्स आ जाएगा, कर लेते हैं सॉल्व, देखो हाफ एम इन टू क्या बेटा फोर वी नॉट स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस हाफ इन टू टू एम इन टू क्या बेटा वी नॉट स्क्वायर बाई नाइन इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। बोलो आएगा, कुछ कट रहा है, हाफ 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 सही है, और कुछ कटा गया, और कुछ नहीं कटा, ये कितना आ गया बेटा फोर एम वी नॉट स्क्वायर बाई नाइन प्लस 2m v not square by 9 is equal to k x max का square। बोलो सही? Yes। तो यहां से x max की वैल्यू कितनी आ गई? ये देख, 9 का 18, बेशरम लोगों, 9 का 18 है ना? 4 दो 6, तो 2 by 3, कितना बच गया? तो ये आ गया 2 by 3 m v not square by k का आंसर। अरे ये के नीचे ले गया और फिर इसका स्क्वायर इधर ले गया, ऐसे क्या देख रहे हो, पता नहीं क्या कर दिया हो, सही तो है, नजर नहीं आया, दैट्स इट आंसर, समझ नहीं आया कर लो, नया तरीका। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं यहां पे, ऐसे ही पढ़ी सिखाने के लिए, नहीं तो फिर नया तरीका कैसे सिखाता करने का, बिना सी फ्रेम के भी कर देंगे, तो एक बार इसको नोट कर, अभी बिना सी फ्रेम के कराता, चिंता क्यों कर रहे। हाँ जी डन, आओ देख भाई, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सर सी फ्रेम की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं बता दूं सी फ्रेम सिर्फ सिखाने के लिए जरूरत पड़ी बेटा, कोई कंपल्सन नहीं था, ठीक है। आप चाहें तो, वैसे तो मैं करता नहीं हूं, पर क्योंकि आपने ये सवाल कर लिया तो इसको ग्राउंड फ्रेम से कर देता हूं, ठीक है। अब देख सेम आंसर लाना तेरी जिम्मेदारी है, मैं इक्वेशन लिख के छोड़ूंगा, ठीक है ना, ध्यान दो। बोल क्या इनिशियली खाली 2m वाला चल रहा है और फाइनली दोनों चल रहे होंगे, दोनों जब मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होंगे क्या उस समय दोनों की वेलोसिटीज बराबर होंगी, और दोनों ही आगे जा रहे होंगे, अगर ये v नॉट से आगे जा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी तो होगी कम, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती रहेगी ना, एक की बढ़ेगी एक की घटेगी, और एक टाइम पर दोनों की क्या हो जाएगी बराबर। तो मान लो कि आफ्टर सर्टेन टाइम टी ये इस कंडीशन में आ गए, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन था तब दोनों की वेलोसिटीज क्या हो गई बेटा सेम, ये भी वी हो गई और ये भी क्या हो गई वी, और इस समय आपकी लेंथ क्या हो गई एल नॉट प्लस एक्स मैक्स, चलेगा पक्का भाई साहब, ध्यान देना, आपके लिए ही कर रहा हूं मैं स्पेशली फॉर यू, ओके।
इनिशियल मोमेंटम 2mv0। हो अरे 2m वाला चल रहा है ना v0 से, है ना बेटा मिस्टर डागा? कोई और चल रहा है क्या? कौन चल रहा है? m नहीं चल रहा v0 से, m भी चल रहा है, सब चल रहा है ना बेटा? यही होना है बातें करोगे आपस में तो, इसीलिए दिमाग से भी सब चल लेता है। क्या p इनिशियल इज 2mv0? p फाइनल, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम? दोनों की वेलोसिटी सेम वेलोसिटी, तो बोल एमवी प्लस 2mv। समझ ही नहीं आ रहा है। और ये दोनों बराबर, तो हमारे पास में क्या आ गया होता है? 2mv0 इज इक्वल टू 3mv, मतलब बेटा v की वैल्यू क्या आ गई? 2v0/3। v की वैल्यू क्या आ गई? 2v0/3। क्लियर है बात? इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी जो कि होगी कुछ समय के बाद जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन के ऊपर होंगे। और क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे? वेरी गुड, ये कहानी समझ में आई। अप्लाई एनर्जी, अब क्या अप्लाई कर दो? एनर्जी अप्लाई कर दो। बोलो इनिशियली क्या अकेला 2m वाला चल रहा है? तो हाफ इंटू 2m इंटू क्या बेटा? v0 का स्क्वायर। उस समय वो तो रेस्ट में है और स्प्रिंग भी स्ट्रेस नहीं है। फाइनली क्या दोनों चल रहे हैं? हाफ एम, वी की वैल्यू हाफ 2m और v की वैल्यू क्या आप लोग पुट कर सकते हैं? साथ साथ क्या बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर सेम आया। डोंट वरी, मैं रखूं वैल्यूज, बेशरम लोग होना एकदम। नोट करना चालू कर दो, अब तो खाली वैल्यू रखनी है मुझे। अभी भी ऐसे देख रहे हैं कि यही रखेगा वैल्यू, अपन क्यों रखें? अपने आप रखो वैल्यूज। 2mv0 square इज इक्वल टू m, v की वैल्यू कितनी है बेटा? 2v0/3 मतलब 4v0 square upon 9 प्लस 2m इंटू 4v0 square upon 9 प्लस k x square, 4 और 8 12, 4/3। 2mv0 square माइनस 4/3mv0 square ठीक है इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। 3 2 6, 6 minus 4 2। ध्यान से देख, वापस से वही आ गया। मैच कर रहेगा चेक कर लो। अरे मैच कर रहेगा चेक कर लो। आंसर इज सेम, आंसर इज। मैं तो एक नया तरीका बता रहा था तुम्हें सोचने का। सोचा नहीं? सोचा, समझ में आ गया था? ठीक, गुड। मिटा दूं? बहुत बढ़िया। दूसरा तो मैंने ऐसे ही करा दिया टाइम पास। मिटा दूं? कर लोगे? वो भी एक समय था। आओ देख, चलो फॉर्मेट 3। अभी तक हमने जो सवाल किए उनके अंदर फोर्स अप्लाइड कहीं भी नहीं थी, पर अब जो आपको सवाल दिया जा रहा है उसके अंदर एक फोर्स एफ अप्लाइड है। एक मास है छोटा एम, एक मास है बड़ा एम, ठीक है? एक मास है छोटा एम और एक मास है बड़ा एम, और इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो फिर से क्या है? सी फ्रेम। कौन सा फ्रेम? तो आप ये बताइए कि अगर मैं इसमें भी वापस मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना चाहता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मुझे वापस से? फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन ने दोबारा क्या बोला? फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो अगर मैं मैक्सिमम एक्सटेंशन ही निकालना चाहता हूं तो इन दैट केस मेरे को क्या करना है? क्या ACM निकालूं? पहले VCM निकाला था, अब अगर फोर्स है तो VCM निकालूंगा या ACM? व्हाट इज ACM?
ये आपका मस्त कौन सा फ्रेम? सी फ्रेम, जिसपे आप परमानेंटली बैठे रहते हैं। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें इसकी, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा पूरे सिस्टम पे? फोर्स कितनी है? एफ। टोटल मास कितना है? छोटा एम प्लस कैपिटल एम, बोलो है कि नहीं? तो यही आपका एलसीएम, मतलब ये आगे कितने से जा रहे हैं बेटा? एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस छोटा एम, बोलो सही है क्या? अब ये भाई साहब अगर इन दोनों ब्लॉक्स को देखेंगे तो बोलो क्या सूडो लगेगा? फ्रेम एक्सेलरेटेड है। जब भी फ्रेम एक्सेलरेटेड होता है तो क्या लगता है? सूडो। भूल गए क्या आप लोग? एक्सेलरेटेड फ्रेम से इसको भी देखा, एक्सेलरेटेड फ्रेम से इसको भी देखा, इन दोनों को एक्सेलरेटेड फ्रेम से देखा तो क्या सूडो लगाऊंगा? सूडो लगा के मैंने क्या पाया ध्यान में? क्या पहले सूडो इस पे? मास तो एम है और एक्सेलरेशन एफ अपॉन छोटा एम प्लस एम है, बोलो है? इसके हिसाब से सूडो क्या होता है? एम इन टू ए, एम ये वाला, एक्सेलरेशन वो वाला, तो क्या आ जाएगा? एम एफ अपॉन एम प्लस बड़ा एम, बोलो सही है? ऐसे ही क्या सूडो इस पे? बोल ही नहीं रहे, एकदम लोटे पड़े हो क्या? बोलो भाई, आगे लगी एफ, पीछे क्या लगा? एम एफ अपॉन एम प्लस एम, बोलो सही है? तो नेट क्या बचा? एफ माइनस एम एफ अपॉन एम प्लस एम। ध्यान से देखिए, एम एफ कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या? एम एफ अपॉन, यही बचेगा। इसके ऊपर ये वाली फोर्स लगी आगे और इसके ऊपर इतनी फोर्स लगी पीछे, ये सबको नजर आ गया 100%। मान लो इस वाले ब्लॉक को ये x1 डिस्प्लेस करता है, कितना डिस्प्लेस करता है? और इस वाले ब्लॉक को डिस्प्लेस करता है कितना बेटा? x2। तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है क्या वो x1 प्लस x2 है? मैक्सिमम एक्सपेंशन क्या है? x1 प्लस x2, बोलो है कि नहीं? अच्छा, ये एक्सपेंशन के अंदर अगर अपन बात करें तो सूडो फोर्स का वर्क डन है। कौन सी फोर्स का वर्क डन है? और उस फोर्स का वर्क डन मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम पे, क्या एसीएम रेस्ट पे? एसीएम किस पे? तो सूडो फोर्स का वर्क डन किस में स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। फोर्स ये सूडो है या रियल है पहले ये बता? ये जो एम एफ अपॉन एम प्लस एम इस पे और एम एफ अपॉन एम प्लस एम इस पे आगे लिखी है, ये वाली फोर्स सूडो है या रियल है? तो वर्क डन कौन सी फोर्स कर रही है, सूडो या असली? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स का वर्क डन किस में स्टोर होके जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। जल्दी बताओ उस वाली फोर्स का वर्क डन कितना? इसका वर्क डन कितना? क्या बेटा? एम एफ अपॉन एम प्लस एम इंटू एक्स वन। समझ ही नहीं आ रहा, बोल क्या माइनस साइन लगा दूं? नहीं भैया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल जीरो डिग्री है। फोर्स भी पीछे, डिस्प्लेसमेंट भी पीछे, तो एंगल कितना? जीरो डिग्री का एंगल मतलब पॉजिटिव, कॉस जीरो, कॉस जीरो, वेरी गुड। इसमें बता क्या फोर्स लगी आगे? वैल्यू थी एम एफ अपॉन एम प्लस एम, क्या सेम वैल्यू है? प्लस एम एफ अपॉन एम प्लस एम और डिस्प्लेसमेंट एक्स शुड बी इक्वल टू हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर, सही या गलत? वेरी गुड। अगर आपको ये दिख गया तो शायद आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये और ये कॉमन है, और अगर ये और ये कॉमन है तो x1 प्लस x2 अलग आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या लिख लिया? x1 प्लस x2 टाइम्स mf अपॉन m प्लस m शुड बी इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। देखा, ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, देख इससे 2 काट दिया मैंने, x1 प्लस x2 थोड़ी है तो 2 है, जानते हो ऐसे कट जाता है। बोलो भाई, मेरे यहां से x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ गई? 2। x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? 2 ऊपर उछला और ये k नीचे आया, तो आंसर बोलो 2mf अपॉन m प्लस m टाइम्स k, आंसर। देख पा रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन जो है ना, देखो एक एक बार किसी किसी जमाने में पूछे गए थे, इसीलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। अदरवाइज जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं अभी वो भी आपको करवाऊंगा। अब ऐसे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो चुकी है? बहुत कम हो चुकी है, पर हमें आने चाहिए, समझे? ये करने के बाद जो अब हम अगले सवाल करेंगे वो आपको अत्यंत आसान लगने वाले हैं।
सो डोंट वरी एट ऑल. क्या ये बातें क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? छाप लीजिए. मेरी कृपा है ना सारी, है ना? अभी बताता हूँ. फाइव के जी, थ्री के जी, 40 न्यूटन. सुनना बेटा, क्वेश्चंस असली में दे आर वेरी वेरी इजी, बट दे सीम टू बी टफ. क्वेश्चन लिखो. 5 किलो, 3 किलो, 40 न्यूटन का फोर्स. एंड लेट्स राइट अ क्वेश्चन. लिखाऊं? लिखिए. अरे डायग्राम तो बाद में भी बन जाएगा, वो तो बोर्ड पे ही है. लिखो. एट एन इंस्टेंट इट वॉज ऑब्जर्व, एट एन इंस्टेंट इट वॉज ऑब्जर्व दैट द 3 kg ब्लॉक, एट एन इंस्टेंट इट वॉज ऑब्जर्व दैट द 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट्स एट 2 m/s². एट एन इंस्टेंट इट वॉज ऑब्जर्व दैट द 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट्स एट 2 m/s², फुल स्टॉप. What is the acceleration? What is the acceleration of the 5 kg block? Of the 5 kg block at this instant. What is the acceleration of the 5 kg block at this instant? इस समय 5 kg के block का acceleration क्या होगा? ये question है. ठीक है, करो. क्या हुआ? चलो आप सुनो बच्चों, यहां देखो कैसे करने. देखो, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. हमने जो फॉर्मेट की है उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या डायरेक्ट हो जाते हैं. देखो, वो फॉर्मेट तो स्टैंडर्ड है जो हम लोगों को करने होते हैं, इसलिए आपको कराए गए हैं. पर इस वाले क्वेश्चन क्या मैं आप बताओ कि नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे? जीरो थोड़ी 40 है. अरे वो तो के एक्स इस पे लग के अंदर वाले जीरो हो गए भाई. इधर की स्प्रिंग फोर्स लग के क्या हो गई? तो वो मेरे काम की नहीं है. अदरवाइज तो सब कुछ काम का है. ये 40 अगर काम का है तो ACM की वैल्यू बोल. 40/8 टोटल मास 8 है ना, तो कितना आ गया? 5 m/s². ये सबको समझ आया? अब ये अगर 5 आ गया तो ACM की वैल्यू होती क्या है? M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस, अप्लाई कर लो. अच्छा नहीं कर सकते, बोलो क्या आ जाएगा? M1A1 मतलब 5 × A1 प्लस 3 का कितना दिया हुआ है? 2 अपॉन 8 और ACM कितना आ गया? 5. कैन यू सॉल्व? 8 × 5 = 40 इज इक्वल टू 5A1 + 6. ध्यान से देखो, A1 की वैल्यू क्या आ गई? 34 m/s². समझ ही नहीं आया? सबको आया? हो गया. टाइम पता है तेरे को? फिर फिर एक्स की वैल्यू पता है? के एक्स वैल्यू पुट कर देगा तो अपने को इंस्टेंट पता थोड़ी है. 40 वाले इंस्टेंट पे ही हो रहेगा. अरे के की वैल्यू तो झांसा है बेटा, ये तो धोखा है, काम की थोड़ी है, गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में. के की वैल्यू गिवन ही नहीं है. तूने इसकी क्वेश्चन बना ली होगी 40 − KX = 3 है, और इसकी बना ली KX = 5 है, उससे आंसर आ गया. किसी इंस्टेंट को पता नहीं है ना, इसीलिए. पर सिस्टम पे नेट फोर्स पता है कि 40 है. समझ गया?
और करते हैं। अगला अगला करें, चलो हेरिंग डालो एक छोटी सी। ट्रॉली प्रॉब्लम्स, हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? ट्रॉली प्रॉब्लम्स। और आओ देखें ट्रॉली प्रॉब्लम्स क्या होती है। सुनो भाई, आप लोगों को एक ट्रॉली गिवन, ठेला होता है ना बेटा छोटा सा, अब ठेले वेले के ऊपर मान लो अगर आप लोग चढ़ जाओ और चढ़ के इससे कूदी लगाओ, क्या लगाओ बेटा? तो ठेला कहाँ जाता है? वेरी गुड, ठेला कहाँ जाता है आपको पता है ना? अब आपको इस ठेले की वेलोसिटी निकालनी है कूदने पे, ठेले की वेलोसिटी निकालनी है कूदने पे। आपका मास मान लो छोटा है मैं और ठेले का मास क्या है बेटा? बड़ा है। पर जो यू है ना, ध्यान दें, जो यू है ना वो अलग अलग तरह से दी जाती है। यू कैसे कैसे दी जाती है? एक तो आप लोगों को यू दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक तो आपको यू दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक आपको यू दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, और एक बार दी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। मतलब यू आपको तीन तरह से मिलने वाली है। पहला, यू इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेकंड, यू इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। और तीसरा, यू इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। क्या ये बातें क्लियर है? 100%। सबसे पहला केस बोलिए, यू इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पहला केस, ठीक है? इस केस के अंदर आप मुझे इनिशियल इनकी कंडीशन बताओ, इनिशियल मोमेंटम क्या है? क्या ये कूदा ही नहीं है और ट्रॉली भी रेस्ट पे? अरे ट्रॉली किस पे? ये तो बाद में कूदा ना, इनिशियली तो चुपचाप से खड़ा हुआ है, इनिशियली चुपचाप से। तो इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? पी इनिशियल इज वॉट? जीरो। एंड वॉट इज पी फाइनल? ये कूद गया कितने से? यू से। और इसके कूदने पर ट्रॉली कितने से चली गई? अरे बोलो भाई, कैन यू फाइंड आउट कैपिटल वी? नहीं निकलेगा, कितना आ जाएगा बोल? जीरो इज इक्वल टू एम यू प्लस कैपिटल एम वी। तो बेटा वी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एम बाय एम इनटू यू। बोलो आएगा कि नहीं? आर यू श्योर? सेकंड केस, यू इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और कैसे बेटा? कूदी मारने के पहले, कूदी मारने के पहले वाली वेलोसिटी है, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले P इनिशियल इज जीरो। अरे बोलो, P इनिशियल इज व्हाट? फाइनल जब लिखना था तो लेट्स राइट वेलोसिटी ऑफ दिस मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसका क्या नाम रखें? डाउट माता, अरे जल्दी बोलो ना, क्या नाम रखना है? ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? v nm with respect to t। अब तुम्हें nm t लिखने में दिक्कत आएगी, nt लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? v nt। क्या बेटा v nt की जो वैल्यू है, nt अच्छा नहीं लगेगा, anti anti लगेगा। नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं दे रहा। नहीं नहीं, हर जगह थोड़ी बिठाते हैं मैडम। राहुल गांधी आरजी करते थे, आपको इज अ बेटर ऑप्शन।
डेट सॉलिड पप्पू. तो क्या बेटा वीपीटी निकाले? वीपीटी साउंड्स गुड. वीपीटी इज व्हाट? वीपी माइनस वीटी. अरे बोलो. तो यहां से वीपी कितना आ गया? वीपीटी प्लस वीटी. बोलो आएगा. अच्छा बिफोर जंप आपकी ट्रॉली की वेलोसिटी तो जीरो है. ये वेलोसिटी बिफोर जंप है ना. तो बिफोर जंप ट्रॉली की वेलोसिटी क्या है? तो वीपी की वैल्यू क्या आ गई? और वीपीटी क्या गिवन है? यू. यू इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली. तो वीपीटी गिवन है ना तेरे को? तुझे क्या गिवन है? वीपीटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली. तो आपको यू जो गिवन है वो यू डायरेक्टली वीपी है या वीटी है? दोनों ही नहीं है. वो क्या है? वीपीटी गिवन है. वी क्या गिवन है? पीटी. यानी पप्पू की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, और वो वैल्यू क्या है बेटा? यू. वो वैल्यू क्या है? वेरी गुड. तो वीपी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? यू आ गई. यानी पप्पू की रियल वेलोसिटी भी यू है. पप्पू की रियल वेलोसिटी भी क्या है बेटा? यू. क्या ये बात समझ में आ गई? अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन अगेन. पी फाइनल बोलो. बोल ही नहीं रहे. ट्रॉली की कूदने के बाद की वेलोसिटी वी, और पप्पू की बोलो यू. एम यू प्लस कैपिटल एम वी. क्या बेटा सेम आंसर? तो वापस से बोलिए v की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस एम यू बाय कैपिटल एम. क्या सबको समझ में आया है? 100%. तीसरा केस. u इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, पर कैसे? आफ्टर जंप. ठीक है, आफ्टर जंप. इनिशियल, अरे इनिशियल तो बोलो जीरो ही है ना. इनिशियल अभी भी गए. ट्रॉली रेस्ट पे है ना बेटा? ट्रॉली किस पे है? रेस्ट पे. चलो फाइनल बाद में लिखेंगे, पहले क्या वीपीटी लिख लें. वेलोसिटी ऑफ पप्पू विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज वीपी माइनस. तो बेटा वीपी कितनी हो गई वापस से? VPT plus VT. बोलो हुई के नहीं? आफ्टर जंप या बिफोर जंप? आफ्टर जंप ट्रॉली की वेलोसिटी जीरो है. क्या V है? कितनी है? वेरी गुड. तो आंसर बोलो. इस बार VP की वैल्यू क्या पुट होगी? U plus V. बोलो समझ में आया? समझ ही नहीं आया सबको? कैन यू यूज दिस वैल्यू इन फाइनल मोमेंटम? तो बोल भाई P फाइनल. पप्पू की वेलोसिटी का U plus V. तो m इंटू यू प्लस वी. समझ ही नहीं आया? प्लस कैपिटल m. कैन यू इक्वेट? p इनिशियल इक्वल्स टू, बोलो क्या आ गया? जीरो इज इक्वल टू m इंटू यू प्लस वी प्लस एम वी. नहीं आ रहा समझ में? सबको आ रहा है? यू हैव टू फाइंड v. तो बोलो क्या आ गया? एम यू प्लस एम वी प्लस बड़ा एम वी. सही है? क्या बेटा v कॉमन आ जाएगा आपके पास में? v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम. समझ ही नहीं आया? ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए. समझ में आया है? तीन अलग अलग केस. तीन सालों बरसों पहले किस कभी इस प्रकार के सवाल पूछा करते थे, इसीलिए हमें बताना पड़ता है. आजकल ये सब बहुत ऑब्सोलीट हो गया. ये वाला जो पार्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये फॉर द सेक ऑफ जेई पर्टिकुलरली भयंकर रूप से ऑब्सोलीट हो चुका है. आजकल इस तरह के कोई भी सवाल पूछे नहीं जाते. क्लियर है बात? बट स्टिल हम लोग तो मेहनत कर लेते हैं, है ना? नोट कर लेते. चलो आज नया सवाल करते हैं. आइए कहानी थोड़ी सी चेंज. ट्रॉली है बेटा 60 केजी और पप्पू है मान लो 40 केजी का. वैसे तो पप्पू है हैवियर देन 40 है ना, खाता ही है पप्पू. तो ऑल द थ्री केसेस सॉल्व करके द
ध्यान रहे इस बार आपकी ट्रॉली जो है वो चल रही है। अच्छा एक चीज और जो ध्यान रखनी है सुन लो, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन्ड ना हो कि कौन सा वाला केस लेना है, इन दैट केस आप हमेशा आफ्टर जंप वाला केस लें। एक स्टार बना के लिख लो अपने पास। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, if nothing is mentioned in the question then always take, if nothing is mentioned in the question then always take u is with respect to trolley after jump wala case, always take u is with respect to trolley after jump wala case, u is with respect to, ye likha to hai yaar aise dekh rahe ho, then always take u is with respect to trolley after jump wala case, wala beta w a l a bhi likh sakte ho ya wala nahi bhi likhoge to bhi chal jayega, theek hai kuch na likhao to, par hum to teeno hi karenge, theek hai kar do, do it। ध्यान रहे इस बार ट्रॉली इनिशियली मूव कर रही है, थोड़ा सा ध्यान से करना। समय समाप्त, पहला पार्ट हो गया 10/3 -10/3। अच्छा चलो देखते हैं, पहले पी इनिशियल रूल। अच्छा पहले पी इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम क्या बेटा, दोनों साथ जा रहे हैं, 60 40 100, 100 × 10 1000 क्या हो गया, अरे 60 40 100, 100 × 10 = 1000, तो पी इनिशियल दोनों का नहीं लिखा आपने, बहुत ही बढ़िया, 60 × 10 + 40 ×, दोनों साथ है ना भाई, 1000 kg/s, ये तो लिया ही नहीं लोगों ने, बहुत ही शानदार, वाह वाह, ले लिया था। चलो पी फाइनल, पी फाइनल के लिए जल्दी बोलो, ये कूद गया कितने से कूदा, उस समय इसकी वेलोसिटी निकालनी है, बोलो क्या लिखूं इक्वेशन, बोलते हो नहीं क्या बेटा, 60 का तो पता ही नहीं और इसका कितना हो गया, तो 40 × सॉल्व करो, 1000 = 60V + 40 × 20 = 800 है ना बेटा, ये कितना हो गया 200, 200/60 कितना आ रहा है बच्चों, 10/3 और पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि जब मैं पहली कंडीशन के अंदर जब मेरे को u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है तब कूदने के बाद ट्रॉली की वेलोसिटी 10/3 हो गई पर आ गई है, आंसर नेगेटिव नहीं आया, ट्रॉली पीछे नहीं जा रही, कहां जा रही है आगे मेरे कूदने के बाद भी, ये कोई कंपल्शन है क्या कि ट्रॉली पीछे जाएगी, तब कंपल्शन है जब ट्रॉली रेस्ट पे हो और आप उससे जंप मार रहे, पर जब ट्रॉली चल रही है तब भी कंपल्शन है क्या, नो, समझ पा रहे हैं, सेकेंड केस बोलो, पी इनिशियल वापस लिखना है, डायरेक्ट 1000 लिख दूं चलेगा, yes, चलो भाई पी इनिशियल आ गया, अब पी फाइनल लिखने से पहले क्या मेरे को वी एस टी के बारे में लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ पप्पू विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, VP - VT, मतलब कि वीपी की वैल्यू वापस से क्या आ गई, VPT + VT, समझ ही नहीं आया, वेलोसिटी ऑफ पप्पू विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज गिवन टू मी एज 20 और ट्रॉली की वेलोसिटी है 10, ट्रॉली तो इनिशियली चल रही है ना बिफोर जंप, इज द ट्रॉली मूविंग बिफोर जंप और नॉट, यस इट इज मूविंग, तो बोल इस बार वीपी की वैल्यू कितनी है, 30 m/s, किया ही नहीं लोगों ने, -10/3 बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, आए सॉल्व करें, अब पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, बोलो पी इनिशियल 1000, पी फाइनल
पप्पू कितने से डरे? 30 से। पप्पू कितने से गया? और ट्रॉली कितने से गई? पता नहीं। तो 40 × 30 + 60 × V, ये देखना 1200 -200/60 -10/3 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? -10/3 का मतलब इस बार ट्रॉली पीछे जा रही है। इस बार ट्रॉली कहाँ जा रही है? पर मजे की बात, इस बार वेलोसिटी कैसे ली गई थी? विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। वेलोसिटी कैसे ली गई थी? विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। तीसरा केस करो, सब लोग तीसरा केस करेंगे। दो केस हम लोगों ने कर लिया बेटा, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप कर ली, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला केस कर लिया है। आपको आफ्टर जंप वाला केस सब सॉल्व करके दिखाना है। आशा करूंगा ये वाला केस समझ में आएगा सबको। आएगा कि नहीं आएगा? चल बता। पी इनिशियल बेटा वापस से 1000। पी फाइनल कैसे लिखोगे? क्या उसके लिए वी पी टी लिखनी पड़ेगी? व्हाट इज वी पी? वी पी टी प्लस वी टी। वी पी टी कितना है इस बार? 20। वो तो गिवन ही है ना, 20। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप इस बार 20 है, तो वी पी टी की वैल्यू तो क्या आ गई? और कूदने के बाद वी टी कितनी है? वी। तो आपकी वीपी की इस बार वैल्यू क्या लेंगे बेटा? 20 + V। देख पहले बिफोर जंप लिखा है, बिफोर जंप ट्रॉली की स्पीड क्या है? 10। कूदने के बाद ट्रॉली की स्पीड क्या है? V। इसलिए 20 + V हो गया वो। समझ ही नहीं आया? पक्का? मुझे लगा डेटा लेने से तो समझ जाओगे। अभी भी नहीं आया समझ? सभी को आ रहा है? वेरी गुड। अब लगा दें वापस इनिशियल फाइनल बराबर। 1000 इज इक्वल टू, बोल भाई, पप्पू का मास 40, पप्पू की वेलोसिटी 20 + V प्लस ट्रॉली का मास 60 और वेलोसिटी भी, बोलो क्या आ गया? 1000 = 800 + 40V + 60V, क्या बेटा? 100V, और ये 200, तो V की वैल्यू 2 m/s। आया किसी को आंसर? आ गया था? समझ में आ गया था? हाँ भाई, कुछ पता लगा क्या निकालना है, या कुछ और ही निकाल के बैठा है? पता नहीं क्या निकाल लेते हैं लोग, बता देते हैं। आओ चलो क्वेश्चन करें। क्या बेटा? आफ्टर जंप में 10 कहाँ लिया है? बिफोर जंप है बेटा। बिफोर जंप ट्रॉली की वेलोसिटी क्या है? तो 10 ही तो लिखी है बीटी। ये क्यों लिखा है? ये तो इस फॉर्मूले से आया ना। बातें बंद। अरे बीके जी बातें। हाँ तो वीपीटी तो हमेशा बेटा वीपी माइनस वीटी होगी ना, तो वीपी आप हमेशा कौन सी वैल्यू पुट करोगे? जो ग्राउंड से देखोगे वो करोगे ना। तो पप्पू को ग्राउंड से देख रहा है, ट्रॉली पे बैठ के देख रहा है? मोमेंटम कंजर्व ग्राउंड से करेगा ना। यार बातें क्यों हो रही है? मोमेंटम कंजर्व ग्राउंड से करेगा तो बेटा एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालेगा। एब्सोल्यूट तो पप्पू की ही है, तो इसलिए वीपी निकाल रहा हूँ हर बार। इसलिए क्या निकाल रहा हूँ हर बार? ये जो आपने बार बार ये वीपी यहाँ लिखी है, वीपी यहाँ लिखी है, ये क्यों लिखी है? क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। मुझे जो गिवन है वो किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रॉली। ट्रॉली बस वहाँ थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दी। बोल की के नहीं, इसलिए मेरे को वीपी निकालनी थी। मुझे क्या गिवन था? वीपीटी 20 है, वीपीटी 20 है। पर ये बिफोर जंप है, तो बिफोर जंप में ट्रॉली 10 से जा रही थी तो 10 हो गई। आफ्टर जंप है तो ट्रॉली कितने से जा रही है? वीटी से, मतलब वी से, इसलिए वो वी हो गई। ये मेरा अननोन था, पर ये तो मुझे नोन था, इसलिए ये 30 हुआ। समझ में नहीं आया? पक्का? सुनिए, नई वैरायटी, नया सवाल, ठीक है? आप चाहो तो इसमें एक छोटी सी हेडिंग भी नहीं डाल सकते हो, वेज प्रॉब्लम्स। नॉन वेज वाली अलग होती है, ये वेज वाली। कौन सी वाली है? वेज वाली समस्याएं, वेज प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम्स विद वेजिटेरियंस, है ना? तू नॉन वेजिटेरियन है ना सर? तू है ना? ऐसा नहीं है? ठीक है, फिर तो ठीक है बेटा, आराम से बैठो इसके साथ। ऐसे लोग झांसा अच्छा देते हैं, कह नहीं सकते, आप अपनी रिस्क पे हैं। याद आ गए ये वाले क्वेश्चन? वेरी गुड, पर ये वो नहीं। क्वेश्चन सुनना भाई। अच्छा, ये एक सर्कुलर आर्क दिख रहा है ना, इस आर्क का जो रेडियस है ना, इट इज आर। इस आर्क का रेडियस क्या है बेटा? आर रेडियस है। तो समझ जाओ यहां से यहां तक भी आ रही होगी, और बोलने के लिए स्टाइल मारने के लिए क्वेश्चन में ये दे देते हैं, ठीक है? इसको हम लोगों ने यहां से क्या किया? रिलीज किया। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? वेरी गुड। ये बेटा नीचे नीचे आएगा, इसके साथ फिसलेगा, और मजे की बात ये कैपिटल एम जो है ना, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड। अभी अगर फिक्स ही है तो क्या ये भी पीछे जाएगा? वेरी गुड। आपको बताना है कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी जब ये यहां से जस्ट टेक ऑफ करने वाला हो। टेक ऑफ मतलब यहां से कॉन्टेक्ट छोड़ने वाला हो, इधर से उड़ के इधर जा रहा, ठीक है? करिए, लिख लो। क्या वेज की नहीं, ब्लॉक की बोला मैंने। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ छोटा एम, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ छोटा एम व्हेन इट लूजेस कॉन्टैक्ट विद द वेज, व्हेन इट लूजेस कॉन्टैक्ट विद द वेज, ठीक है? करिए, एक चीज बता, ये अगर एम मास है और यहां से ऐसे फिसल के जाएगा तो ये बड़ा एम क्योंकि फिक्स नहीं है तो ये भी पीछे जाएगा। इस बात की फील आ गई थी? बड़ा एम कहां जाएगा बेटा? पीछे। और छोटा एम कहां जाएगा? आगे। ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि जब ये यहां से रिलीज होने वाला था तो इसकी वेलोसिटी वी थी, और ये पीछे जा रहा था मान लो कितनी वेलोसिटी से? यू से। कितने से जा रहा था? कैन यू कंजर्व मोमेंटम? एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो सबसे पहले क्या लगाया मैंने? मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या अप्लाई कर ले? बोलो क्या आ गया? एम वी प्लस एम यू इज इक्वल टू क्या? जीरो। अरे बोल, तो v की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एम यू अपॉन एम। गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ये बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है, ठीक है बेटा? ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने इनिशियल इधर, फाइनल इधर लिख दिया, डरो मत। ये देख ऐसे लिखा है, p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल। इनिशियली तो रिलीज किया है तब सब कुछ जीरो था, ठीक है? तो पहली इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है, v इक्वल टू माइनस एम यू बाय एम। क्या ये बात क्लियर है? Yes. आपको तो v निकालनी है या u? अबे v निकालनी है बड़े, छोटे m की वेलोसिटी, कोई बात नहीं, है ना? अब अप्लाई करो एनर्जी। अब क्या अप्लाई करो? लेट्स कंजर्व एनर्जी, ठीक है? तो बोल, इनिशियली अगर मैं ग्राउंड पर जीपी जीरो मान लू इस वाली पोजीशन पे, तो जीपी यहां पे जीरो, तो बोलो क्या लिखूंगा सबसे पहले? क्या बेटा? एम जी इंटू आर। फाइनली क्या दोनों की काइनेटिक एनर्जीज? अरे फाइनली दोनों की क्या है? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर, सही है क्या? और प्लस हाफ बड़ा एम इंटू यू स्क्वायर, सही है? कैन यू पुट द वैल्यू ऑफ यू हियर इन टर्म्स ऑफ वी? यू की वैल्यू कितनी है? छोटा एम वी अपॉन बड़ा एम। यू की वैल्यू कितनी है बेटा यहां पे? छोटा एम वी अपॉन बड़ा एम। तो आंसर क्या आ जाएगा? देख, करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहां ध्यान दीजिए, ये आ गया एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा आपको वी चाहिए या यू, पहले तो ये बताओ। अगर आपको यू चाहिए होता तो क्या ये वाली वैल्यू पुट कर देता यहां? ये वैल्यू यहां पुट कर देता तो क्या आ जाता? यू। आपको क्या चाहिए? तो क्या बेटा U की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दूं? और U की वैल्यू क्या है? छोटा एम वी अपॉन बड़ा एम, छोटा एम वी अपॉन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो? प्लस। अच्छा, माइनस तो स्क्वायर हो जाएगा ना यार, तुम भी यार
u की वैल्यू है बेटा छोटा एम वी अपॉन बड़े एम का स्क्वायर। ये लो माइनस लगा दिया, अभी खुश? ठीक है, सॉल्व कर ले, कर लो। अब मैं क्या सॉल्व करूँ, ध्यान दे, ये वाला m इस वाले m से कट जाएगा, स्क्वायर से अलग से ही काटता हूँ, नहीं तो तुम लौट जाओगे। अगला स्टेप करते हैं, ये एम जी आर है ना, तो एम जी आर टू इधर ले जाता हूँ, टू एम जी आर कर देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस, ये कितना हो गया, एक एम इसके एम से कट गया, तो ये हो गया बेटा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। बोलो सही? अरे बोल ही नहीं रहे, सही है ना? वेरी गुड। आपको तो वी निकालना है ना, क्या हो गया, आ तो जाएगी, उसमें क्या हो गया, इसमें एम कॉमन निकाल लो, मतलब वी स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें आंसर आ जाएगा उसमें, तो ये हो गया टू एम जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू एम प्लस एम स्क्वायर बाय कैपिटल एम। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट टू एम जी आर इंटू बड़ा एम भी कर दूं है, या सीधे अपॉन में ले रहा हूँ, इंटू बड़ा एम कर देता हूँ ना यार, इधर उछाल कर एलसीएम लेकर, और नीचे क्या आ गया एम एम प्लस एम स्क्वायर। देखो जरा सही है क्या, छोटा वाला कट जाएगा, अच्छा ओमन कॉमन आके कट जाएगा, वो कोई दिक्कत, काट दो, नो प्रॉब्लम। अब अरे आप निकाल लो ना यार आंसर, ऐसे क्या कर रहे हैं, ये लो ये लो ये लो, अब ठीक है, यही आपका आंसर आ गया था, वेरी वेज प्रॉब्लम्स। नहीं हुआ पक्का, एक और कर बेटा, अच्छा अच्छा कोई बात, बहुत बढ़िया, बताने के लिए आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है। छोटा सा एक और सवाल है, कोई बहुत बड़ा सवाल थोड़ी। हाँ जी सर, हाँ जी फिर से बता दूं, एम मास को बेटा इस बार वी नॉट वेलोसिटी से छोड़ा है, कौन से मास पे रखा हुआ है, ये कैपिटल एम के ऊपर रखा हुआ है, इसको हम लोगों ने छोड़ा। आपसे क्वेश्चन जो किया इस बार ये किया कि ये कितनी हाइट अचीव करेगा ऊपर, एच की वैल्यू निकालनी, साथ में बड़ा एम जो है इट इज नॉट फिक्स, बड़ा एम जो है इट इज नॉट फिक्स, पहली इक्वेशन कहां से लिखेंगे, अरे मोमेंटम कंजर्वेशन, पहली कहां से लिखें, जल्दी बताओ मोमेंटम से क्या आ जाएगी, क्या बेटा इनिशियली इसका एम वी नॉट है, इनिशियली क्या है, फाइनली मान लो ये कहीं यहां आ गया, मान लो कहीं यहां आ गया, ये इसकी फाइनल कंडीशन, ये कौन सी है और ये क्या थी बेटा, एक बार यहां देख लो, अभी छप जाएगा सब, यहां ध्यान दो, छपाई में मत रहो, क्लास से बाहर निकलने की जल्दी मत मचाओ, सब लोग यहां ध्यान दो, 5 मिनट के लिए जीवन खराब करने को तैयार है। कितनी वेलोसिटी से आ रहा है इनिशियली, वी नॉट, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या सिर्फ एम वी नॉट होगा, ये तो रेस्ट पे है। अब देख ये इसके ऊपर ऐसे बढ़ना शुरू करेगा, जब ये इसको प्रेस करना शुरू करेगा अपनी नॉर्मल से, तो क्या ये वाला ब्लॉक भी आगे भागेगा? अब सोच अगर ये ब्लॉक इससे कॉन्टेक्ट नहीं छोड़ रहा, इन दैट केस क्या दोनों की ये वाली वेलोसिटी सेम होंगी? समझ ही नहीं आया, कॉन्टेक्ट नहीं छूट रहा का क्या मतलब है, कि जितनी वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है क्या उतनी से ये भी आगे जाएगा? अब ये मैक्सिमम हाइट पे आ गया, मान ले इस समय वेलोसिटी दोनों की क्या हो गई, वी, क्या वेलोसिटी हो गई, मतलब क्या बोथ हैव द सेम वेलोसिटी व्हेन छोटे एम का मास, मतलब छोटा एम जो है वो मैक्सिमम हाइट पे, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो हम लोगों ने क्या बोला, सॉरी
एम प्लस एम इंटू, क्या ये वाली बात समझ में आई सभी लोगों को? वेरी गुड। क्या आगे की कहानी देख लें? वेरी गुड। देखो यहां से v और v नॉट का एक रिलेशन है जो अभी हम लोग काम में ले लेंगे। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? एनर्जी कंजर्वेशन। लेट सी एनर्जी इनिशियली, अकेला ये चल रहा है तो बोलो क्या आ जाएगा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। समझ ही नहीं आया? पक्का? शुड बी इक्वल टू। अब क्या दोनों चल रहे हैं? बोलो क्या आ गया? हाफ एम प्लस एम, वेलोसिटी तो सेम है ना, इंटू वी स्क्वायर। साथ ही लिख दूं मैसेज? आप चाहो तो अलग अलग लिख दो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ बड़ा एम वी स्क्वायर, आपकी इच्छा। ठीक है, और साथ में और कौन है? एम जी नहीं, एम जी एच। इसकी हाइट भी तो बढ़ गई, ये तो वही रहा, तो क्या सिस्टम की एनर्जी लिखनी है? तो कितनी आ गई? प्लस एम जी एच। कैन यू फाइंड आउट एच? क्या बेटा v नॉट के टर्म्स में चाहिए अपने को? ये v तो हमने माना था ना, तो v की जगह पर क्या पुट करोगे? एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम। वॉट विल यू पुट इन प्लेस ऑफ v? एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम। ये वाली वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे पुट करनी है और h की वैल्यू निकालनी है। कैन यू फाइंड द वैल्यू? आर यू श्योर? वेरी गुड। बाकी का अगली क्लास में करते हैं।